चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये पूड़े का वाकया है, मेरे को इतला मिली। मैं जंगा में डिवीज़न का AM एक्टिव मेंबर हूँ। जैसा मेरे को ये खबर मिली, समद बिन अब्दास साहब कॉरपोरेटर पूड़ा ने मुझसे बात किया। बात करके फ़ौरन स्पॉट पे पहुंचा मैं। बच्चे को बहुत तरह ज़ख्मी कर दिए, बहुत तरह गांजा पीकर बच्चे को मारा गया। ये बच्चा है, ये बच्चे का भाई है। बच्चा स्टेटमेंट देने के भी बाहर नहीं है, ये बच्चा स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता। मैं SHO जिलानी साहब से बात किया हूँ, तो बात की उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोल के बताए गए। और ये वाक़ ये हुआ कि इनके भाई दोनों किसी चैन और घड़ी से ताल्लुक़ से कुछ बहस भी करते, तो लोग बोलने लगे। तो मैं वही बात करा। बात करने के बाद तो इन्होंने बोले कि ऐसा मारे करे वो, तो फिर मैं फ़ौरन स्पॉट पे पहुंचा। मेरे मौजूदगी में लोग मारे तो मैं जिलानी साहब को कॉल करा, तो स्पॉट पे जिलानी साहब SHO छतीना का पहुंचे, जो कि छतीना का PS लिमिट में केस है। ये अटैक हाथ से मारे और चाकू लेके, चाकू के पीछे एक हिस्से से वार करे। ये मारेसो वाले, उसका नाम है कुमार और उसका भाई है। इन लोग का क्वार्टर्स में रहते हैं, ये उपकुड़ा क्वार्टर्स में, जो कि गवर्नमेंट जो अलर्ट करी है वो क्वार्टर्स में रहते हैं। मैं तमाम पुलिस वालों से और हैदराबाद सिटी कमिश्नर से गुजारिश करूंगा कि जितने भी गांजा है इसको जल्दी से जल्दी बंद कराए, क्योंकि ऐसा स्प्रेड हो रहा है कि लोगों की जान भी जा सकती है। भाई कुछ पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं भाई, दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक मामूली सी घड़ी के वास्ते। ये क्वार्टर्स में रहने से मालूम है, बुला के भी मारा मेरे को। नहीं, मैं ये लोग बस्ती में रहते मेरे, तो मेरे को जैसा समद बिन अब्दास साहब मेरे को जैसा इतला करे, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर फ़ौरन सतीना का PS MLC लेके आने के बाद मैं सीधा एम्बुलेंस में। कलीम नाम है उनका, मैं सीधा उनकी उम्र 24 है, 24 साल के है। उन्होंने डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो कैसी उनकी हालत है? अब उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उनको एक्सरे वगैरह लेने के लिए लगाए। अब उन डॉक्टर्स बोले कि अगले 24 घंटे तक कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको उठना करना नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा दिमाग पे माल लगा, हाथ पे माल लगा। आप लोग में वीडियो है, हादसा ही उपकुड़े में हुआ, हाँ क्वार्टर्स के पास ही हुआ। हाँ कंप्लेंट करा हूँ, तो कंप्लेंट कर दिया MLC लेके आने के बाद। फिर लोग, फिर मैं इंशाल्लाह फिर PS को जाऊँगा, रेफर दर्ज कराऊँ। ठीक है ना। वालेकुम, शेख सलमान है मेरा नाम, मैं उपगड़ा क्वार्टर्स पे रहता हूँ। मेरे को 3-4 दिन से कुमार बहुत टॉर्चर कर रहा है। मेरे को क्या बोलते, सर नीचे बैठा हुआ था, घड़ी और चैन ले लेके चले गए। मेरी बात करे कि डीओ बोले तो मेरे को चाकू से वैसा मार के बोल रहे हैं, डरा के छीन के लेके गए और मार रहे भी। नीचे बहुत बैठ रहे भाई वहाँ पर, नहीं तो भी खाली पीली के नीचे जाना भी नहीं पड़ रहा वहाँ पर। ये उधर रहता उपकुड़ा कोटरेस के पास, मेरे को मेरे भाई को भी मारा अंदर। आपके सगे भाई है वो? जी हाँ, सगे भाई है मेरे। नाम बोलूँगा क्या है? शेख कलीम। कहाँ रहते आप लोग? उपकुड़ा कोटरेस। कब आया था ये? ये यार एक घंटे पहले कुछ हुआ। कंप्लेंट करे? जी हाँ कंप्लेंट करे। मारवा तो होगी मारे इधर मारे। अभी हालत कैसी है आपके भाई की? अभी हालत अभी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं अभी, उसके बाद बोलना है। क्या है कि बोलते बोले अभी किधर है आप? हॉस्पिटल में? जी हाँ हॉस्पिटल में। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा, चले आइए गुड चॉइस फर्नीचर, जहां हम आकसाम के फर्नीचर्स दस्तियाब है। बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री। और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी और मैट्रेस बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं प्रोप्राइटर शेख खालिद, हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली औरंगडा रोड नियर महमूदा होटल। तो देख इस बात की अभी कांटेक्ट करें 8655070751 या फिर 9700422320।